वीडियो अंत तक जरूर देखा करें तथा चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर अवश्य करें। साथियों उत्तर पूंजी के मैटर को लेकर के अभी भी बहुत सारे साथी असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं, तो एक बात कहना चाहता हूं कि जो भी आपको समस्या है, आप जो है अगर आप कोई परिचित हैं, वकील या कोई साथी क्लासमेट कोई भी होगा, अगर वकील होगा, बहुत सारे दूसरे के परिचित निकल जाएंगे, वकालत भी किया हो, थोड़ी बहुत भी अगर जानकारी होगी तो आपके बारे में बता सकता है, कुछ ना कुछ उसको जानकारी होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आपका विश्वास इसलिए कम हो जाता है जो याची बनाता है, क्योंकि यदि सफलता मिल जाती है तब तो उसकी हर बात अच्छी लगती है, यदि असफलता मिलता है तो उसकी सारी बात खराब लगने लगती है, लगता है कि कहीं ना कहीं हम बेकार हो गए हैं, सारी बात बेकार हुई, सफलता मिला नहीं। तो याद रखिएगा, सफलता कोई भी अगुआकार नहीं दिलाता है, वकील लगता है, जज महोदय के मूड रहता है कि नहीं वास्तव में इनके साथ अन्याय हुआ है, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और आपको कहना चाहता हूं कि धैर्य बनाए रखिए, नंबर अवश्य बढ़ेगा। अब कुछ लोग परेशान हैं कि सर जो है हम डबल बेंच जो है इलाहाबाद यदि ना जाए तो क्या उचित होगा, तो दोनों बातें हम आपको बता रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप तत्काल आई, अगर आपकी इच्छा नहीं कहती है तो ना आए, आप स्वतंत्र हैं, जिनकी इच्छा कहती है वही जाए, जब आप स्वयं जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, किसी के दबाव में जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मेन बात ये हम आपको बता दें, इलाहाबाद डबल बेंच बार बार इसलिए प्रेशर डाल रहे हैं और लखनऊ हो गया, जैसे आप सोच लीजिए कि हम शुरू में बता रहे हैं, जब हमारी पहली बार जब सुनवाई के लिए डाला जा रहा था, पिछले मई में डाला जा रहा था, तो यहाँ अर्जेंसी अगर रिजेक्ट हो गई थी तो वही अर्जेंसी हम कहाँ डाल रहे थे, यहाँ डाल रहे थे। और जब यही अर्जेंसी हम यहाँ डाला जा रहा था, तो यहाँ यदि एक्सेप्ट हो गया तो यहाँ फाइल पड़ गई, यहाँ एक्सेप्ट नहीं हुआ तो छोड़ दिया गया, दोनों बसें क्यों चल रही थी, आदमी तो बैठेगा नहीं, बैठ करके तमाशा तो देखा गया नहीं, समय तो नुकसान करेगा नहीं, हमको किसी तरह अपनी सुनवाई कराना है, पैसा तो जीवन बहुत लगेगा। हम कह रहे हैं यहाँ भी जब अर्जेंसी हम डाले थे तो वकील तो ऐसे डालेगा नहीं, पैसा लेगा लेगा, यहाँ भी अर्जेंसी डालेंगे तो वहां भी पैसा लेगा, वैसे तो डालेगा नहीं डालेगा। कोई भी आप जाएंगे अर्जेंसी, अगर शुरुआती दौर में पहली बात करा रहे हैं, जब लॉकडाउन था पिछले साल में तो अर्जेंसी जब डाला गया था तो रिजेक्ट हो रहा था, तो यहाँ डाला गया, यहाँ भी पैसा लगा, यहाँ भी पैसा लगा, दोनों जगह पैसा, बहुत से लोग कहेंगे क्यों लगाया गया पैसा, इसलिए लगाया गया अपना भविष्य, वही बात यहाँ भी तो हो रहा है। जब अपने भविष्य की बात हो रही है तो यदि यहाँ लेट हो रहा है, और यहाँ यदि लेट हो रहा है तो क्या यहाँ हम ना जाए, हम जाए क्योंकि वहां भी बात मानी जाएगी। हम बार बार यही कहते हैं, जब यदि यदि नंबर बढ़ रहा है, नंबर यदि बढ़ेगा तो एक जगह बढ़ेगा तो दूसरे जगह अपने यहां पार्टनर में बढ़ा दिया जाएगा, क्यों नहीं बढ़ाएगा, क्यों नहीं बढ़ाएगा, बढ़ाने के लिए तो सभी लोग कह रहे थे, नहीं नंबर अगर वहां पड़ जाता तो यहां भी नंबर बढ़ाएंगे, वहां से डिसमिस हो गया तो यहां से भी डिसमिस हो जाएगा, ये रूल है। तो यहां इसलिए जाया जा रहा है क्योंकि यहां डबल बेंच जा रहा, अभी सिंगल का ऑर्डर आएगा आएगा, आर्डर आने में टाइम लगेगा, जब तक यहाँ टाइम लगेगा हो सकता है सुनवाई हो यहाँ हो जाए, या इन ट्रोल में देखा जाएगा। हम कह रहे हैं अगर यहाँ लेट भी हो जाए तो यहाँ अगर पहली सुनवाई होती है तो यहाँ का आर्डर यहाँ फाइल हो जाएगा। मेरा जाने का अर्थ यही है कि ये यदि आगे हो रहा है, आगे यदि हो गया डबल बेंच में और ये पीछे हो गया, हम वो संभावना व्यक्त कर रहे हैं, संभावना पे ही जाया जा रहा है, हम रुक नहीं सकते क्योंकि मेरे जीवन का सवाल है, बच्चों के जीवन का सवाल है, ये आगे हो गया ये पीछे हो गया, संजोग है इसका आर्डर आ गया और आपका आर्डर अभी इसका नहीं आया, सिंगल बेंच के आपके आधार पे जा रहे हैं। अब आप सोचिए सिंगल बेंच के आधार पे यहाँ जा रहे हैं, ये डबल बेंच के आधार पे सुप्रीम कोर्ट जाएगा,
सुप्रीम कोर्ट यहाँ जाना है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ जाना है। अब आप ये बता दीजिए, जब सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे पिछली बार तो इलाहाबाद के लोग भी तो गए हुए थे, भले आर्डर लखनऊ का आया था लेकिन गए थे कौन, इलाहाबाद वाले भी गए थे। तो यहाँ भी हो गया कि जाएंगे ये, लेकिन ये आगे हो जाएंगे, रिस्पॉन्डेंट अब की कहलाएंगे क्योंकि आर्डर इसमें आ गया है, और जब आर्डर आ जाता है तो रिस्पॉन्डेंट कहलाएंगे, सरकार उसमें आची थी। इसलिए हमने कहा कि जब रिस्पॉन्डेंट हो जाएंगे आप तो इसमें बेनिफिट आपको जाते मिलता है, और सुनवाई जब तक हम नहीं कराएंगे डबल बेंच में तो कैसे हमको ये पता चलेगा कि हमारे कितने क्वेश्चन हैं। वहां पर भी हम यूजीसी की रिपोर्ट मांग करेंगे, डिमांड करेंगे। ऐसा नहीं है कि डबल बेंच में हम क्या करने जा रहे हैं, इलाहाबाद में भी डबल बेंच में जब एक बेंच ने कहा था कि यूजीसी की कमेटी बनाई जाए तो उसको हम उसी प्रियर कर गए, और इलाहाबाद में भी हम मांग कर सकते हैं कि जब एक बेंच लखनऊ का डिमांड कर दिया था तो हम इलाहाबाद में क्यों नहीं करा सकते हैं, तो इलाहाबाद में भी उसी की हम डिमांड करा सकते हैं। डिमांड होती है, मांग किया जाएगा, क्यों नहीं मांग किया जाएगा। तो इलाहाबाद में भी हम क्या करेंगे, इलाहाबाद के डबल बेंच में यही डिमांड करेंगे जो लखनऊ का सिंगल बेंच ने यूजीसी कमेटी बनाने का अपना आदेश दिया था, तो उसी आदेश का यहाँ पालन किया जाकर पालन क्यों नहीं किया गया, क्यों आपको एक जो है सरकार के जो है लीगल एडवाइजर से आपने पूरा अपना दे करके व्यू आपने खत्म कर दिया कि कोई साक्ष्य नहीं लगाया गया, ऑथेंटिक नहीं आपके पास आया। तो हम पुनः कह रहे हैं कि आपका यूजीसी की कमेटी की रिपोर्ट जो है वहां पर भी डिमांड की जाएगी, डबल बेंच में इलाहाबाद में डिमांड की जाएगी, इसीलिए हम जा रहे हैं क्योंकि वहां हमारे वकील से बात हो गई है, प्रेयर में डाला जाएगा कि हमारा जो है यूजीसी की रिपोर्ट किया जाए। और ये शुरू से लेकर के चलेंगे, जब एक बार कह दिया जाता है उसको रिजेक्ट नहीं किया गया है तो हमेशा उसी की डिमांड किया जाएगा। और सभी साथियों से कहना चाहते हैं कि आप निराश ना हो, जब असफलता मिलती है तो जीवन में निराशा आती है, लेकिन एक सफलता जो है पूरे जीवन को बदल सकती है, आपके पूरे भविष्य को बदल सकती है। एक ही आशा की किरण बहुत होती है आपके जीवन को बदलने के लिए, बहुत होती है। मोमबत्ती की उजाला आपके जीवन को बदल सकती है, कमरे को उजाला कर सकती है। इसलिए सभी साथी पॉजिटिव रहें, निगेटिव आपके अंदर ना आए, पॉजिटिव रहने से ही आप अधिक जो है लड़ाई लड़ सकते हैं। तो सभी साथियों से अनुरोध करना चाहते हैं कि वीडियो जरूर अंत तक देखें तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।